नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ DP शुक्ला। यूपी में जिसके नाम का चलता था सिक्का, अपराध जगत में एक ऐसा माफिया जिसके गुर्गे भी चलते थे महंगी और लग्जरी गाड़ियों से, जिसकी यूपी ही नहीं बल्कि नेपाल पुलिस को भी थी सरगर्मी से तलाश, जिस पर गोरखपुर से था 1,00,000 रुपये का इनाम। उस माफिया का नाम है विनोद उपाध्याय। अयोध्या के महाराजगंज इलाके के रहने वाला माफिया विनोद उपाध्याय, जिसका अंत 5 जनवरी 2024 को सुल्तानपुर जिले में उस समय हुआ जब उसका सामना UPSTF की टीम से हुआ। UPSTF के डिप्टी SP दीपक सिंह की टीम ने खूंखार अपराधी विनोद उपाध्याय को मुठभेड़ में मार गिराया। बताया जाता है कि स्विफ्ट डिजायर कार सवार कुख्यात अपराधी विनोद उपाध्याय ने STF टीम को देखते ही फायर करना शुरू कर दिया। आखिरकार STF टीम की जवाबी फायरिंग में विनोद उपाध्याय का अंत हो गया। उसके एनकाउंटर से अपराध जगत में ही नहीं बल्कि उसके गुर्गों में भी खलबली मच गई। बताते हैं कि माफिया विनोद उपाध्याय ने अपराध जगत से कमाए पैसों को नेपाल में शिफ्ट किया था। इसके अलावा वो नशीली दवाओं के कारोबार में भी कूद गया। STF से मिली जानकारी के अनुसार माफिया विनोद उपाध्याय का उत्तर प्रदेश में भी नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल से भी काफी दबदबा था। पूर्वांचल में हत्या, लूट, फिरौती, रंगदारी और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले को अंजाम देने वाले माफिया विनोद उपाध्याय के एनकाउंटर में मारे जाने से नेपाल में उसके खास गुर्गों में सनसनी फैल गई है। नेपाल में उसके गुर्गों को जैसे ही उसके एनकाउंटर की भनक लगी, मानो सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये ऐसा क्रिमिनल था कि ये छुप करके व्यापारियों से रंगदारी मांगना, हत्याओं को अंजाम देना, अपने गिरोह को पुख्ता करने का काम उचित तरीके से हमेशा करता रहता था और सक्रिय रहता था। इसकी सूचना हमको एक दूसरे साथ से मिली कि जनपद सुल्तानपुर में आकर के किसी बड़े गैंग की साथ मिलकर के कुछ वारदात भी करेगा, साथ में कुछ लेन देन का कार्य भी करेगा। इस सूचना पर हमारी टीम ने जो पिछले कई दिनों से इसके पीछे लगी हुई थी, सूचना को मानसा से मानते हुए जनपद सुल्तानपुर की कोतवाली देहात टीम को इन्फॉर्म किया और साथ में घेराबंदी करके इसको समर्पण करने के लिए कहा गया। लेकिन इसने कोहरे का फायदा उठाते हुए टीले का आड़ लेकर टीमों पर लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें फील्ड टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए हमारे साथी जवानों ने और हमने फायरिंग किया, जिसमें उसको गोलियाँ लगी। बाद में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई। STF की माने तो माफिया विनोद के नेपाल में भी काफ़ी हनक थी। वो भारत में अपराध जगत से कमाई भारी रकम को नेपाल में कई अवैध धंधे में लगाया करता था। यही नहीं, बॉर्डर से सटे चर्चित कैसीनो में भी उसका भारी पैसा लगा होना बताया जा रहा है। अंदर खेमे से भी एक खबर मिली है कि माफिया विनोद के कैसीनो में 4 पार्टनर हैं, जिसके करीब उसकी 30% से अधिक हिस्सेदारी बताई जा रही है। यही नहीं, अगर सूत्रों की माने तो नशे के धंधे में भी उसकी मजबूती दखल थी। उसके गुर्गों के संरक्षण में ही एक चर्चित धंधेबाज नेपाल से लेकर बिहार तक नशीली दवाओं की तस्करी कर रहा था। अब देखना है कि माफिया विनोद उपाध्याय के गुर्गों की कमर तोड़ने में STF कितना कामयाब हो पाती है। बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि फिर एक संगीन अपराध के साथ कहानी लेकर लौटूंगा और बताऊंगा अंदर खेमे की बात।